नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैंने अपने नाम से एक जमीन खरीदा है और वह जमीन का केवाला मेरे पास है, तो क्या उसका दाखिल खारिज भी कराना पड़ेगा, अर्थात म्यूटेशन भी कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल जो है, यूं कहे तो मतलब बहुत सारे व्यक्ति कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि जमीन रजिस्ट्री के बाद इसका दाखिल खारिज भी कराना होता है। तो कुछ लोग अभी भी इस बातों से अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं पता है। दोस्तों कोई भी जमीन खरीदारी करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जाते हैं, जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री जब करवा लेते हैं तो रजिस्ट्री पेपर मुझे मिल जाता है, यूं कहे तो उन्हें केवाला या फिर बैनामा भी बोल सकते हैं, तो वो दस्तावेज तो मुझे मिल गया। लेकिन दाखिल खारिज उसके बाद की प्रक्रिया है, क्योंकि सिर्फ जमीन रजिस्ट्री करा लेने से जमीन मेरा नहीं हो जाएगा, जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। क्योंकि आपने जिनसे जमीन खरीदा उनका दस्तावेज भी था, उनका जमाबंदी कायम था, उनके नाम से लगान रसीद कट रहा था, तो अब आपने जब जमीन खरीदा है तो आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको दाखिल खारिज की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। तो दाखिल खारिज जब आप कराएंगे तो उस समय जो है आपका जमाबंदी कायम होगा, और जब जमाबंदी कायम हो गया तो आपका पहला लगान रसीद कट के आपको मिल जाएगा। जब आपका लगान रसीद कट के आपको मिल गया तब समझिए कि आपका जमाबंदी कायम हो गया, दाखिल खारिज हो गया, जमाबंदी कायम हो गया। तो जमीन रजिस्ट्री का पेपर भी होना चाहिए आपके नाम से। दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम हो गया तो लगान रसीद होना चाहिए आपके नाम से। साथ ही जिस जमीन को आप खरीदे हैं, जिसका जमीन रजिस्ट्री आप करवाए हैं, जिस जमीन का आप लगान रसीद कटवाए हैं, उस जमीन पर आपका दखल कब्जा भी होना चाहिए, तब आप उस जमीन का असली मालिक कहे जाएंगे, उस जमीन पर आपका स्वामित्व होगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें, जब भी जमीन रजिस्ट्री कराएं तो उसका दाखिल खारिज कराएं और उस जमीन पर आप दखल कब्जा भी करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।